हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज। अब तो आज हम लोग पहला चीज अकाउंट्स में स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करेंगे अकाउंट। तो अकाउंट्स में आखिर क्या क्या आता है, तो मुझे अगर अकाउंट्स बोले डिवाइड करने तो मैं उसे पांच चीजों में डिवाइड करूंगा। एसेट्स, लाइबिलिटी, फिर क्या आएगा आपका इनकम, एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस, गेन। ये बेसिक आपको अगर आप अकाउंट्स के बारे में जाना है, कोई आपसे पूछे अकाउंट्स क्या है, तो ये सारा चीज आपका अकाउंट्स है। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस और गेन, ये सब चीज जोड़ दो आपका पूरा अकाउंट, टोटल अकाउंट बन जाएगा। यही अकाउंट में, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा अकाउंट में। तो अब हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका एसेट्स। तो एसेट्स क्या होता है, अकाउंट क्या है, सबसे पहले पूछना आता है कि अकाउंट क्या है। तो अकाउंट्स एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, एक्सपेंस का स्टेटमेंट होता है। एक्चुअली ये दोनों को क्लब करके बनाया जाता है, फिर ये दोनों को क्लब करके बनाया जाता है। प्रॉफिट लॉस एक खुद का स्टेटमेंट होता है, गेन को क्लब करके बनाया जाता है। तो ये सारा क्लब करके बनाया जाता है, बट इंडिविजुअली भी ये स्टेटमेंट बन सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली नहीं बना सकते, हम एसेट्स का अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं, जिसको हम लोग एसेट लाइबिलिटी को स्टेटमेंट को हम लोग बैलेंस शीट करते हैं, और प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट इनकम एक्सपेंस को हम लोग इनकम स्टेटमेंट करते हैं, जिसमें अपना प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, पहले समझते हैं एक एक चीज को। तो पहला आपका क्या है, फर्स्ट एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, पहला क्वेश्चन आता है एसेट्स क्या होता है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसे हम मार्केट में बेच के या उसके एक्सचेंज में हमें कैश मिले या कैश इक्विवेलेंट मिले, कैश आपका क्या है, एसेट है। क्या मैंने क्या कहा, ऐसा कोई चीज जिसको आप बेच के उसके बदले कैश ले लो। तो कैश खुद लेना क्या, हमें कैश लेना है। तो कैश अगर एसेट्स है तभी ना हम उसको बेच के कुछ ले रहे हैं। तो पहला आपका सबसे पहला एसेट क्या आता है, कैश। फिर सेकेंड आता है आपका कैश इक्विवेलेंट। मैंने अभी बोला इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ, बराबर, कैश के बराबर जो होता है। तो कैश के बराबर ऐसा क्या क्या हो सकता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। कैश के बराबर किसे कहते हैं, वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है। तो जब हम लोग एसेट्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग एसेट्स में देखेंगे कैश इक्विवेलेंट क्या होती है। तो एसेट्स क्या हुआ, तो अगर आपको कोई पूछे एसेट्स क्या है, तो उसको डायरेक्ट डेफिनेशन देना, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच यू कैन एक्सचेंज for cash or cash equivalent or in return of anything। मैंने यहाँ पे भी anything लिखा है, यहाँ भी anything लिखा है, मतलब क्या है, यहाँ पे discuss करते हैं। anything which you can exchange for cash or cash equivalent or in return of anything, मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसे आप बेच सको या एक्सचेंज कर सको, किस चीज के लिए, कैश के लिए, कैश इक्विवेलेंट के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं ये मारकर बेचता हूं और उसके बदले मुझे कैश मिलता है तो जोड़िए कि कैश ही मिलेगा। हो सकता है वो बंदा मुझे उसके बदले कुछ और दे दे, टी शर्ट दे दे, पेन दे दे। तो जो भी चीज जिसको हम लोग बेच के इधर कैश ले सके या कैश इक्विवेलेंट ले सके या फिर कोई दूसरा सामान ले सके, वो एसेट होता है। मतलब क्या हुआ, जिसका मार्केट वैल्यू हो। एसेट का क्या होता है, आपका मार्केट वैल्यू होता है। एनीथिंग विच हैज अ मार्केट वैल्यू इज सेड टू बी एसेट। कोई भी चीज जिसका मार्केट वैल्यू हो वो एसेट कहलाता है। मैंने ये डेफिनेशन आपको इसीलिए दिया ताकि आपको ये टर्म समझा सको, मार्केट वैल्यू, मार्केट में जिस भी चीज का वैल्यू होगा वो एसेट है। सिंपल सा बात, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वो अभी नहीं डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ पे आपको गुड्स भी आ जाएगा। गुड्स क्या है वो हम लोग एसेट जब डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे। तो ये आपका एसेट हुआ, और एसेट का अगर एग्जांपल देना है क्या क्या होगा, लैंड, जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोबाइल, कार, ये सारी क्या, ये सारी एसेट्स है। इसको बेच के हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट से पैसा ले सकते हैं, जो सारा एसेट्स हो गया आपका।
फिर सेकेंड टर्म आपका क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी को समझने के लिए यहाँ पे देखिए दो टर्म है, लाइबल यहाँ पे निकलता है। लाइबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार है आप, मतलब यहाँ पे एक चीज टर्म और आ रहा है ऑब्लिगेशन, जिसे मैं सिंपल तरीके से कहूं अगर आपको समझना है लाइबिलिटी क्या होता है, मैं लिख दो टेंशन, लाइबिलिटी टेंशन और कुछ नहीं है। जब भी आपको फीलिंग आए टेंशन वाला, समझ जाओ लाइबिलिटी है। बताता हूं कैसे, आपने मान के चलो ए से 100 रुपए लिए, ठीक है, तो जब भी आपको ए का याद आएगा तो आपको याद आएगा कि यार मुझे उसे 100 रुपए देने हैं, और जब भी 100 रुपए देने का बात आएगा आपको टेंशन हो यार उसको 100 रुपए देने हैं, क्या है टेंशन। टेंशन क्या होता है, लाइबिलिटी। तो हम लोग जब लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे तो ये 100 रुपए वाला भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किस चीज में आता है। बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, एक ही लाइबिलिटी नहीं, जैसे एसेट्स भी आपके बहुत सारे हैं, लाइबिलिटी भी बहुत सारी है, इनकम भी बहुत सारी है, एक्सपेंस भी बहुत सारी है, गेन भी अलग अलग टाइप की होती है। तो हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, हमारा 5-6 वीडियो ऐसा ही रहने वाला है जिसे हम लोग पूरा बेसिक डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री लेजर पे पढ़ेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही जर्नल एंट्री पे चले जाते, नहीं पहले कुछ समझ लेते हैं, टर्म समझ लेते हैं। मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कॉन्सेप्ट है वो अभी नहीं समझाऊंगा, टर्म समझते हैं फिर जर्नल एंट्री पे जाएंगे, जर्नल समझेंगे उसके बाद कुछ कुछ टर्म डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग पूरा स्टार्ट कर लेंगे लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब एक साथ करेंगे। तो लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी भैया टेंशन होता है, सिंपल सा बात समझना है। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी टेंशन है, टेंशन किस चीज का है, उसे हमें पे करना पड़ेगा, वो आपका क्या हो गया टेंशन हो गया। फिर क्या आता है इनकम, तो इनकम ना आपका दो टाइप का हो सकता है, कैसा कैसा, एक आपका ऑपरेटिंग हो सकता है, एक आपका नॉन ऑपरेटिंग हो सकता है। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो आपका डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी हो, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है आपका ऑपरेटिंग, ऑपरेट कर रहे हो आप उस चीज को चला रहे हो। तो चलाते हैं हम लोग हर दिन है, कोई भी बिजनेस करता है बंदा तो क्या साल में एक दिन करता है, नहीं वो डे टू डे हर दिन करता है। डे टू डे का मतलब क्या, एवरीडे, एवरीडे जिस चीज को आप करो और उससे जो आप कमाते हो वो आपका क्या ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग आपका इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा, अलग से, जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि रेंट पे दे दिया हमारे यार ये अलग से दे दिए और थोड़ा अलग से पैसा आ जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, ये क्या आपका नॉन ऑपरेटिंग। जैसे आप रेंट दे देते हो, रेंट पे दे देते हो घर, वो क्या हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग। बहुत लोग क्या करते हैं गाड़ी खरीद करके वो दे देते हैं भाड़े पे लगा देते हैं, वो कहां जाएगा नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा। हम लोग क्या करते हैं शेयर्स खरीदते हैं, आपको शेयर्स बहुत ही फैसिनेटिंग लगती होंगी, शेयर्स क्या होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। शेयर्स एक पेपर होता है, कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी शेयर्स इश्यू करती है। शेयर्स अगर ये कंपनी है, कंपनी इतना बड़ा है तो इतना छोटा सा पार्ट आपको देगी, उसके बाद आपसे पैसा लेगी, और वो जो पार्ट आपको दी उसका क्या प्रूफ है, तो ये पेपर प्रूफ है, और ये पेपर को शेयर कहते हैं। अभी के लिए इतना ही समझो शेयर क्या होता है, इसी पेपर को शेयर्स कहते हैं। तो आपको शेयर्स में क्या आपको अर्न होता है, डिविडेंड अर्न होता है। डिविडेंड और इंटरेस्ट भी आपको कंफ्यूज करेगा तो मैं अभी डिस्कस करता हूं। शेयर से या आइदर आप डिविडेंड अर्न करोगे, रिसीव करोगे, और क्या करोगे डिविडेंड पे करोगे। डिविडेंड रिसीव कौन करेगा, जो शेयर खरीदा है कंपनी डिविडेंड पे करेगी ना, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो कोई ना कोई पे कर रहा होगा। अकाउंट्स हमेशा डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे होता है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। अभी क्या होता है, अब यहाँ पे बात कर लिए तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, मतलब उसका एक इफेक्ट नहीं होगा, उसका आपको दो इफेक्ट दिखेगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई रिसीव कर रहा है डिविडेंड तो ऑब्वियसली कोई पे कर रहा होगा, अगर किसी के लिए इनकम है तो किसी के लिए वो एक्सपेंस जरूर होगा, किसी के लिए एक्सपेंस है तो किसी के लिए इनकम वो जरूर होगा, किसी के लिए एसेट्स है तो उसके लिए किसी और के लिए लायबिलिटी होगा, किसी और के लिए लायबिलिटी है तो किसी के लिए एसेट्स होगा। प्रूफ करके दिखाता हूं एक मिनट में। राम और श्याम, राम ने श्याम से 100 रुपए लिए, श्याम ने राम को 100 रुपए दिए, ये कौन हुआ लेंडर, लेंडर कौन था जो पैसा देता है, राम क्या हुआ बोरोवर। तो जो पैसा लिया उसको क्या होगा टेंशन होगा कि पैसा देना है, मतलब लायबिलिटी। श्याम 100 रुपए इसको लेना है, इसके लिए क्या है एसेट्स। तो आप देखो ये 100 रुपए जिस
किसी के लिए एसेट्स है तो वही 100 रुपए किसी के लिए लाइबिलिटी है। एसेट्स अगर कहीं है तो लाइबिलिटी होगा, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। कहीं इनकम है तो कहीं एक्सपेंस होगा, हो ही नहीं सकता इनकम हो गया एक्सपेंस ना हो, होगा ही होगा। कहीं गेन का नहीं है, गेन ऐसा नहीं, गेन कभी कभार होता है, गेन को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एसेट है तो लाइबिलिटी होगा, पक्का है, लिख के ले लो। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के लिए एसेट्स है किसी के लिए लाइबिलिटी ना हो, किसी के लिए लाइबिलिटी है तो किसी के लिए एसेट्स होगा। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। तो ये आपका डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है आपका, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिजनेस एज्यूम करता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रिजर्व्स बनाते हैं, क्या हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया छोटा छोटा सी। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग नॉन ऑपरेटिंग में थे। तो नॉन ऑपरेटिंग क्या हुआ आपका, एक्स्ट्रा हुआ, जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, चाहे आप शेयर से करो या रेंट दे करके करो, ये सारा क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपका। ये डायरेक्ट इनकम, इसको हम लोग कह सकते हैं, ये आपका क्या हुआ, डायरेक्ट इनकम, मेन इनकम भी कह सकते हैं इसको, मेन इनकम। ये क्या हुआ आपका इनडायरेक्ट इनकम, या फिर मेन इनकम आपका नहीं होता है। मुझे लगता है आपको आप इनकम क्लियर होगा, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब हम लोग आगे बात करेंगे एक्सपेंस के बारे में, तो मैं थोड़ा रब कर देता हूं। तो जैसे इनकम आपका दो टाइप का है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, तो एक्सपेंस भी तो हो सकता है आपका ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि दोनों तो भाई अपोजिट है। इनकम का अपोजिट क्या, एक्सपेंस। एसेट्स का अपोजिट क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी का अपोजिट एसेट्स। वही यहाँ पे अगर ये दो है तो एक्सपेंस भी आपका दो हो सकता है, ये भी आपका दो हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या होगा, जो आप बिजनेस चला रहे हो तो उस बिजनेस को चलाने में आपको जो खर्च हो रही है, मतलब आप कोई चीज परचेज करते हो, आप परचेज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग दो चीज को यहाँ डिस्कस करेंगे अभी तुरंत, गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस। तो परचेजेस समझते हैं पहले, फिर इस पे आते हैं गुड्स एसेट्स पे। परचेज आदमी कोई बिजनेस दो चीज का कर सकता है, किसका किसका कर सकता है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स। परचेजेस दो चीज का कर सकता है, या तो रॉ मटेरियल का या फिनिश गुड्स का। मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। मान के चलिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं ये मार्कर बनाता हूं, तो अगर ये मैं मार्कर बनाता हूं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा या फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग फर्म हमेशा रॉ मटेरियल खरीदेगा, क्योंकि मुझे बनाना है ये मार्कर, तो रॉ मटेरियल में मैं क्या खरीदूंगा, इंक खरीदूंगा इसका, ये प्लास्टिक खरीदूंगा, ये कैप मैं बनाऊंगा, लेकिन ये प्लास्टिक को खरीदना पड़ेगा ना मुझे, कलर मुझे खरीदना पड़ेगा, इंक मुझे खरीदना पड़ेगा। तो ये आपका क्या रॉ मटेरियल्स में क्या आ गया, अगर मैं मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूं, तो रॉ मटेरियल्स में आपका क्या क्या आ गया, इंक आ गया, कलर आ गया, प्लास्टिक आ गया, तो ये सब मेरा क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन ये किसमें हुआ आपका, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। लेकिन अगर मैं रिटेलर हूं या होलसेलर हूं या एजेंसी है मेरे पास, मतलब क्या, मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता हूं, तब मैं क्या फिनिश गुड्स खरीदूंगा, मतलब ये पूरा का पूरा मैं पेन खरीदूंगा, ये पूरा मैं खरीदूंगा विथ आपको ये लिड लगा हुआ, प्लास्टिक रैपर पैक किया हुआ। मेरा काम क्या है, खरीदना और बेचना, मेरा इसको बनाने का काम नहीं है, मैं इसमें कोई वैल्यू एड नहीं कर रहा हूं, ये पहले से वैल्यू एडेड है। वैल्यू एडेड मतलब ये पूरा जब बन जाए इसमें मैं कुछ और लगाऊ, जैसे ये कैप है इसको मैं इतना बड़ा कर दूं, तो वो हो जाएगा वैल्यू एडिशन, इसको मैं बड़ा किया थोड़ा सा, इसमें कुछ चेंजेस लाया, तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं लाऊंगा, ये इतना ही रहेगा, तो मैं तब क्या फिनिश गुड्स खरीदूंगा, इसमें ये सब ऐड किया हुआ पहले से। ये कौन करेगा, होलसेलर, रिटेलर, एजेंसी जो लेते हैं। तो परचेज जो करते हैं, तो परचेज हम लोग क्या करते हैं, गुड्स करते हैं और एसेट्स भी करते हैं परचेज। तो गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, मैंने यहाँ पे एसेट्स के डिस्कस किया, एसेट्स के बारे में मैंने क्या कहा, आप उसको बेचोगे उसके बदले आपको क्या कैश मिलेगा। तो गुड्स भी तो आप बेचते हो, ये मार्कर मैं खरीद रहा हूं मार्केट में बेचूंगा तो उसके बदले तो मुझे कैश मिलेगा, तो क्या ये गुड्स है या फिर ये बेसिक आपका एसेट है। गुड्स भी एक पार्ट है एसेट का, एसेट्स बहुत बड़ा है, उसमें आपका गुड्स भी आता है, लेकिन क्या गुड्स जो है उसको हम लोग डायरेक्ट एसेट्स कह सकते हैं। ये परचेज जो आप किए, तो परचेज में आप दो चीज आता है, जब आप परचेज करते हो
तो कहां पे आप गुड्स का परचेज दिखाओगे, कहां एसेट का परचेज दिखाओगे, ये कैसे डिसाइड करोगे कि मैंने एसेट खरीदा या गुड्स खरीदा। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए एक सिंपल, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका बिजनेस उसी चीज का होगा तो वो गुड्स है। मतलब अगर ये मैं मार्कर खरीदता हूं और मेरा बिजनेस है मार्कर को बेचने का, मेरा बुक का स्टोर है, मैं मार्कर बेचता हूं तो वो गुड्स हो गया। लेकिन या फिर ये मार्कर इसके लिए सही एग्जांपल नहीं, मैं कार का बात करता हूं, कार अगर मैं खरीदता हूं और मेरा क्या है कार का एजेंसी है, मैं कार बेचता हूं तो वो कार मेरे लिए गुड्स हो गया, मेरे लिए एसेट नहीं था। लेकिन अगर कोई घर किसी का घर है कोई बंदे का, वो कार खरीदता है, वो काम क्या करता है, वो सीए है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर वो आपके आरबीआई में काम करता है, तो उसके लिए वो एसेट हुआ वो कार खरीदना, क्योंकि उसका वो बिजनेस नहीं है, वो कार हमेशा नहीं खरीदता है, वो कार दूसरे को नहीं बेचता है। लेकिन जिसका भी बिजनेस होगा उसी चीज का, वो गुड्स में जाएगा। लेकिन जिसका बिजनेस नहीं होगा, जो कभी कभार वो चीज खरीदता है, उसे वो रीसेल नहीं करना है, तो वो आपका एसेट होगा। मतलब गुड्स में उसका उसी चीज का बिजनेस होना चाहिए, सेम बिजनेस है, वो मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, रीसेलर भी हो सकता है। लेकिन एसेट कब होगा, जब वो उसका सेम बिजनेस ना हो, सेम बिजनेस नहीं हो सकता है, ना ही वो मैन्युफैक्चरर होगा ना ही वो रीसेलर होगा, तो वो आपका एसेट कहलाएगा। मतलब क्या, अगर आपको क्वेश्चन में रहेगा कि ये गुड्स में जाएगा या एसेट्स में जाएगा, कोई भी चीज परचेज किया गया जैसे कार परचेज किया गया, तो आप देखना कि वो बंदा काम क्या करता है। अगर वो बंदा दिया रहेगा कि आपको वो रीसेलर है कार का, तो वो गुड्स में चला जाएगा। लेकिन अगर वो दिया रहेगा कि वो सीबीआई में है, तो आपका कहाँ एसेट्स में चला जाएगा। आई होप आपको गुड्स और एसेट्स क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मेरा नंबर, या फिर ये रहा मेरा नंबर 6287511402, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। हमारी क्लास 11th की ग्रुप अभी तैयार है, तो अभी जितना जल्दी हो सके उस ग्रुप में ऐड हो जाओ। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हम लोग बात की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस पे, सॉरी मैं अलग कर देता हूं। तो प्रॉफिट लॉस को डिस्कस करने के लिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ये मार्कर खरीदा, मैं एक रीसेलर हूं, तो मैं क्या ये पूरा फिनिश गुड्स वाला मार्कर खरीदूंगा, और ये मेरा क्या गुड्स है, तो मैंने ये मार्कर खरीदा, इसका मुझे कॉस्ट कितना पड़ा, इसका कॉस्ट मुझे पड़ा 100 रुपीज, ठीक है। मैंने इस मार्कर को बेच दिया, मैंने बेचा कितना में मार्केट में, मार्कर को मैंने सेल किया 120 में। तो आप देखो मैंने खरीदा कितना पे था, ये पैक्ड मुझे मिला था, मैंने इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं किया, मतलब इतना का 100 रुपए में मैंने खरीदा और मैंने 120 में बेचा, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ इसमें, आपको देखिए क्या लग रहा है कि पैसा मुझे ज्यादा मिला, 20 रुपए मैंने इस पे कमाया, वो क्या होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। अगर आपका इनकम आपके एक्सपेंस से ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस प्रॉफिट, इसका उल्टा लॉस, एक्सपेंस ग्रेटर देन इनकम लॉस। मतलब क्या, 120 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया, तो यहां पे आपको क्या लॉस लग गया, ये प्रॉफिट नहीं लगा था आपको, लॉस हो गया 20 रुपए का। मैंने 120 में खरीदा था, मैंने 100 में ही बेच दिया, तो 20 रुपए का क्या लॉस हो गया। तो मतलब इनकम अगर आपका ज्यादा है एक्सपेंस से तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, और एक्सपेंस आपका ज्यादा है इनकम से तो क्या होगा लॉस होगा। बीट आपका नॉन ऑपरेटिंग हो या ऑपरेटिंग हो, हम दोनों उसको क्लब करके एक साथ करेंगे। जब आप यूएस गैप पढ़ोगे, जब मैं बीकॉम में आप जाओगे, तब मैं बताऊंगा आपको ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को कैसे अलग करना है, अभी हम लोग एक साथ ही सबको करेंगे। तो एक्सपेंस अगर आपका ज्यादा हो गया इनकम से तो लॉस, इनकम ज्यादा एक्सपेंस से तो प्रॉफिट। आई होप आपको प्रॉफिट लॉस क्लियर होगा। तो प्रॉफिट लॉस, लेकिन अब और एक इंपॉर्टेंट आता है कि प्रॉफिट लॉस आपको हर ईयर, एवरी ईयर होता है, एवरी ईयर
प्रॉफिट लॉस आपका हर एक साल होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और हम लोग ये सारा चीज कब करते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट, ये एक्सपेंस का आपका, ये एसेट्स लायबिलिटी, ये सब कब लिखते हैं? ये सब एक्चुअली लिखते तो पूरा साल है, लेकिन किसके लिए लिखते हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग लिखते हैं ओनर्स के लिए और बोरोवर्स के लिए। तो वो लोग इन स्टेटमेंट को कब देखते हैं? वो लोग ईयर एंड पे इन स्टेटमेंट को देखते हैं। जब साल खत्म हो जाता है तो फिर वहां पे आपको एक और कॉन्सेप्ट आता है कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर का। आप लोग नाम सुने होंगे, मैं उसे डिस्कस करता हूं अभी दो मिनट के बाद, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एवरी ईयर हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ ईयर में ये सारा इनकम या लॉस आपका जितना है सबको निकालते हैं, उस पर हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ये आपका क्या हुआ मार्केट कॉस्ट, की क्या हुआ आपका, ये आपका एक्सपेंस हुआ, ये मार्केट जो सेल किया, आपका क्या इनकम। तो इनकम माइनस एक्सपेंस किया तो आपका प्रॉफिट लॉस आ गया। अगर इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंस से तो प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा इनकम से तो लॉस होगा। और ये हम लोग हर एक साल करते हैं। गेन आपको हर एक साल नहीं होता है, गेन आपको कभी कभार हो सकता है। गेन क्या हुआ, आपने कार खरीदा था 1 लाख रुपीज में, आपने वो कार 2 साल बाद कितना में बेच दिया, 1,20,000 में। तो यहाँ पे 20,000 का क्या आपको प्रॉफिट हुआ? नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, गेन है। प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट आपको हर साल या फिर रिकरिंग नेचर का होता है, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन वो हर एक साल होगा। गेन आपको हर एक साल नहीं होगा। आपको स्टेटमेंट देख के पहले समझ में आ जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। गेन जब तक नहीं होता है तब तक नहीं पता चल सकता है। मतलब क्या हो सकता है, जब आप खरीदने जाओ तभी वो बोले कि 1,00,000 रुपया दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन आप बहुत ही अच्छे निगोशिएटर हो, आपने बोला नहीं मैं 1,50,000 से कम में नहीं बेचूंगा, और फाइनली आप लोग 1,20,000 में मान गए। लेकिन आप जब सोचे थे, आपने क्या सोचा था, यार ये 1,00,000 में ही बिक जाएगा जब आप घर से निकले थे, लेकिन एट दैट पॉइंट क्या हुआ आपको, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, 20,000 का गेन हो गया, सॉरी ये 20,000 का क्या आपको गेन हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ आपको। एट दैट टाइम जब होगा तभी पता चलेगा। प्रॉफिट आपको पहले देख के समझ में आ सकता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। गेन में ऐसा नहीं है, प्रॉफिट लॉस आपको हर एक ईयर होगा, गेन आपको हर एक ईयर नहीं होगा। यही बेसिक डिफरेंस है आपको प्रॉफिट और गेन में। अब हम लोग बात करते हैं जो एंड ऑफ ईयर के बारे में हम लोग बात किए, एंड ऑफ ईयर। तो एंड ऑफ ईयर आपका क्या 31 दिसंबर है, या कोई और बात करें हम लोग यहाँ पे, या कुछ और होता है? तो यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट आता है दो चीज का, एक होता है आपका अकाउंटिंग ईयर, एक होता है आपका कैलेंडर ईयर। तो जैसे आपका कैलेंडर बात आया, तो कैलेंडर में आपका क्या होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये क्या आपका कैलेंडर में रहता है, तो इसको हम लोग कैलेंडर ईयर कहते हैं। जो आपका पहला जनवरी से स्टार्ट हो, खत्म कहां हो, एंड ऑफ ईयर कहां है आपका, 31 दिसंबर को, ये कैलेंडर ईयर कहते हैं। अकाउंट्स में कैलेंडर ईयर को माना नहीं जाता, मतलब माना जाता है बट एक्सेप्टेड नहीं है। आप इनकम स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते, या फिर ITR अगर इनकम टैक्स रिपोर्ट फाइल कर रहे हो तो कैलेंडर ईयर के बेसिस पे नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, वो आपका वॉइड हो जाएगा। ये वॉइड क्या होता है, खराब हो जाना, तो ये कोई काम का ही नहीं था, आपने जो बनाया सब बेकार हो गया। तो अकाउंटिंग ईयर इसमें आता है, तब जो हमारे लिए, जो अकाउंट्स के बच्चों के लिए अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर कहां से स्टार्ट होता है, आप लोग मार्च क्लोजिंग का नाम सुने हो, आप लोग पापा से सुने होंगे, अगर आपके पापा बिजनेसमैन या फिर कोई भी है तो उन्हें इनकम टैक्स रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है, तो मार्च क्लोजिंग आता है। क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, एंड, मार्च क्लोजिंग, तो 31 मार्च। लेकिन स्टार्ट कब होता है, वो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये 1 अप्रैल आपका स्टार्ट है, 31 मार्च आपका एंड ऑफ द ईयर है। यही डिफरेंस है कैलेंडर अकाउंटिंग ईयर। और एक डिफरेंस आपको समझने के लिए, आप 1 जनवरी 2020 का बात करें तो 31 मार्च कब आएगा, 2020 में ही आएगा। लेकिन इसमें देखो, अगर मैं 1 अप्रैल का बात करूं 2020 का, तो 31 मार्च कब आएगा, 2021 में आएगा, 2020 में नहीं आएगा, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल आता है, जैन पहले आता है दिसंबर से, इस कारण से एक ही ईयर में होगा, लेकिन अप्रैल बाद में आता है, तो वो नेक्स्ट ईयर लेके जाता है। अकाउंटिंग ईयर यही आपका होता है, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2019 31 मार्च 2020, एक साल आगे, 1 जनवरी 2022 31 मार्च 2020, 1 जनवरी 2021 31 मार्च 2021।
समझ में आया डिफरेंस कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर में। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एसेट स्टार्ट करेंगे, एसेट को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।